दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सतीश गोयल, यानी कि आपका परवाना। सतीश जी, बात करें, आपका नाम परवाना क्यों पड़ा? आप क्या करते हैं? पहले आपका परिचय। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। देखिए, इसकी दो वजह हैं परवाना नाम की। पहली तो ये कि शेरो शायरी में तखल्लुस से थोड़ा सा एक वजन आता है, एक रिवाज भी है। और दूसरी ये कि एक तो नाम होता है, जैसे जो जन्म के समय माँ बाप आपको नाम देते हैं, जैसे कि मैं सतीश गोयल हूँ नाम से, तो उस नाम के साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा। एजुकेशन प्रोफेशन के हिसाब से मैं एक्चुअली एक साइंटिस्ट हूँ, तो लोगों से पूछेंगे तो साइंटिस्ट को लोग एक दिमाग का काम जनरली गिनते हैं, तो ये कहिए कि मेरे दिमाग का नाम सतीश गोयल हो गया। और शेरो शायरी पोइट्री वो थोड़ा एक दिल का काम है, तो ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मैंने शेरो शायरी और पोइट्री में आना शुरू किया, तो एक ख्याल आया दिमाग में कि क्यों ना मैं अपने दिल को एक नया नाम दे दूँ, तो मैंने परवाना अपने दिल को नाम दे दिया। आप कहाँ से हो? मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा से अगर मुंबई तक का सफर परवाना किसने बना दिया? देखिए, हरियाणा में ज्यादा कवि कवि होते हैं, बट ऐसे मुशायरे गजल गायक बहुत ही कम है, लखनऊ या घराने हैं जो उनमें हैं, और थोड़ा बहुत हास्य में भी आते हैं। देखिए, मैं एक्चुअली वैसे मैं मेरा बचपन अम्बाला कैंट में हरियाणा में बीता, और वहाँ से लेकर के मैं धीरे धीरे देश दुनिया में सब घूमा हूँ। लिखता तो मैं स्कूल डेज से ही हूँ, स्कूल के दिनों से मैं लिखता रहा हूँ, और अब तक मेरे पास में एक तरह से बहुत बड़ी एक कलेक्शन इकट्ठी हो गई, जो कि प्यार मोहब्बत आशिकी से लेकर के और दुख दर्द एक्सपीरियंसेस लाइफ के, और इवन फिलॉसफी दर्शन तक, समझिए कि पूरी रेंज की मेरे पास में एक कलेक्शन इकट्ठी हो गई है। तो उसमें से कुछ मैंने जो है ना एक थीम के साथ सेलेक्ट करके अपनी पहली किताब में सोचा कि उसको मैं पब्लिश करता हूँ। क्या है आपकी किताब का नाम? ये मैं साथ में लाया हूँ। देखिए, मेरी किताब का नाम है खुशी चार आंसू हज़ार। तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, ये एक दिल को छू जाने वाली थोड़ी सी संजीदा, थोड़ी सी सीरियस, थोड़ी सी दर्द की दास्तान है। ये समझिए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो थोड़े मुश्किल हालात आ जाते हैं, कठिन परिस्थितियाँ, रफ टाइम्स जिसको कह लीजिए, उनसे जुड़ी हैं, जैसे कि अकेलापन, दिल का टूटना, टूटते हुए रिश्ते हैं, तिरस्कार, बेइंसाफी, तो इस तरह की जो अलग अलग तरीके के कठिन परिस्थितियां लोगों की ज़िंदगी में आ जाती हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी में, उससे जुड़ी हुई कविताएं और शायरी का ये एक कलेक्शन है। मैं समझता हूं कि हर उस इंसान को ये पढ़ने में, ये किताब को पढ़ने में मज़ा आएगा जिसने दर्द को महसूस किया है, और ऐसा कौन है जिसकी ज़िंदगी में दर्द नहीं है? ये अक्सर ऐसे क्यों देखा हमने, इंजीनियर साइंटिस्ट वो राइटर हो गए हैं बुक के, ऐसा अक्सर हो रहा है, क्यों? देखिए, ये समाज में एक थोड़ा सा जो है ना ऐसा हमारे यहाँ बन गया है कि जो आपने प्रोफेशन चूज़ कर लिया उसके हिसाब से लोग आपको जो है ना ब्रांडिंग कर देते हैं कि ये सिर्फ यही काम कर सकता है, पर हर इंसान के पास दिमाग भी होता है, दिल भी होता है, सारी फैकल्टीज़ होती हैं, तो और किसी ना किसी मौके पर आकर, किसी ना किसी ज़िंदगी के मोड़ पर आकर लोग जो हैं बहुत बार बदल भी लेते हैं अपना प्रोफेशन, अपना या ये समझिए कि जस्ट एक अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जब एक अंदर से चाहत पैदा होती है, तो एक जो है ना साइंटिस्ट भी कवि बन जाता है। आपके साथ कभी ये जो है सबसे पहली बार आपको कब लगा कि मैं एक राइटर भी हूँ, मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, मैं गजल लिख सकता हूँ? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि वैसे मैं लिखता तो अपने स्कूल के दिनों से हूँ, पर उस समय मैं एक जो है ना जनरल थोड़ा सा जैसे कि बच्चे लिखते हैं, जो देखा लिख दिया, फिलोसफिकल। उसके बाद में जैसे जैसे जवानी में कदम रखा तो जो है ना
आशिकी और प्यार मोहब्बत के ऊपर बहुत कुछ लिखा, और उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े सीरियस एक्सपीरियंसेस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर लिखना शुरू किया। तो एक तरह से जो भी कोई कवि या लेखक होता है कहीं ना कहीं उसकी अपनी ज़िंदगी की एक रिफ्लेक्शन भी होती है उसकी लिखने में, चाहे वो कविताएं हों चाहे वो लेख हों चाहे वो नॉवल हों। तो और थोड़ी उसमें कल्पना भी होती है, थोड़ी उसमें जो है ना एक क्रिएटिविटी भी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो किताब मेरी पहली किताब है उसमें एक सिलेक्शन मैंने करके सिर्फ वही कविताएं वही शायरी लिखी डाली हैं जो कि थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि कठिन परिस्थितियों से जब आदमी गुजरता है तो उस तरह के हालात के ऊपर है। इसके बाद में मेरी जो है ना दूसरी किताब जो कि मैं समझता हूँ कि जल्दी ही आएगी, ऑलमोस्ट तैयार है, वो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिव लव कलेक्शन। तो वो पूरी जो है ना प्यार मोहब्बत आशिकी के ऊपर में होगी। होपफुली मैं वो वैलेंटाइन के आने से पहले पहले जो है ना निकालना चाहूँगा। क्या है, दो लाइनें पढ़ के आप बता दीजिए। हाँ ज़रूर। देखिए मैं आपको कविता में से पहले ही कुछ चार लाइनें सुनाता हूँ कि जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, इसे प्यार से गले लगा के तो देखो। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे प्यार से गले लगा के तो देखो, और दुनिया बहुत रंगीन है, दुनिया बहुत रंगीन है, किसी से दिल लगा के तो देखो। तो जिंदगी बहुत हसीन है, इसे प्यार से गले लगा के तो देखो, और दुनिया बहुत रंगीन है, किसी से दिल लगा के तो देखो। आप कहें तो मैं चार लाइनें और कहीं और से पढ़ देता हूँ। खास लाइन है, आप बताइए। चलिए कि मेरे हम सफ़र तो बन ना सके, मेरे हम सफ़र तो बन ना सके, हो सके तो मेरे हमराह बने रहना। मेरे हम सफ़र तो बन ना सके, हो सके तो मेरे हमराह बने रहना, मेरी खुशी तो बन ना सके, हो सके तो मेरी आह बने रहना, हो सके तो मेरी आह बने रहना। दर्द छुपा है आपकी इन शायरी में, ये सब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए अब जैसा कि मैं पहले कह रहा था, हर इंसान के अंदर हर तरह की दिल दिमाग भी होता है और हर तरह की फीलिंग्स का, हर तरह की भावनाओं का एक समावेश होता है, तभी एक पूरा एक संपूर्ण जो व्यक्तित्व किसी का भी बनता है वो सारी भावनाओं को मिला करके बनता है। तो सबके अंदर सब चीज़ें होती हैं, किसी समय दर्द की अनुभूति होती है, किसी समय प्यार मोहब्बत होती है, किसी समय अकेलापन भी होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दर्द ही है मेरी ज़िंदगी में और मैंने वही लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई सेड, दिस कलेक्शन इज़ अबाउट मोर अबाउट द पेन। और दूसरी मेरी कलेक्शन जो मैं नेक्स्ट पब्लिश करूँगा वो जो है मेनली प्यार मोहब्बत के ऊपर होगी। टाइटल क्या कहना चाहिए टाइटल के बारे में? टाइटल मैंने देखिए बहुत सोच समझ करके रखा है, खुशी चार आंसू हज़ार। मैं इसको सिर्फ आंसू हज़ार भी रख सकता था, पर मैं जो है ना एक एज ए पर्सन आई एम एन इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जिसको कहते हैं ना एक हमेशा जो है ऑप्टिमिज्म की तरफ, एक संभावनाओं की तरफ, एक पॉजिटिव आउटलुक वाला एक एक मैं आदमी हूँ। तो इस टाइटल में बेसिकली ये छुपा है कि आंसू हज़ार भी हों तो उसमें भी खुशियाँ जो है ना वो चार जो खुशियाँ हैं उनका बड़ा महत्व होता है। एक्चुअली मैं जो है ना जो मैं पहले आपको एक कविता सुना रहा था उसकी अगली चार लाइनें मैं और आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि इससे इस बात से रिलेट करती हैं वो, कि यूं तो गम बहुत हैं ज़माने में, यूं तो गम बहुत हैं ज़माने में, छोटी छोटी खुशियाँ मना के तो देखो। यूं तो गम बहुत हैं ज़माने में, छोटी छोटी खुशियाँ मना के तो देखो, और कभी कांटे भी चुभ जाते हैं फूल सूंघने में, कभी कांटे भी चुभ जाते हैं फूल सूंघने में, सांसों में खुशबू को बसा के तो देखो, सांसों में खुशबू को बसा के तो देखो।
तो कहने का मतलब ये है कि बहुत गम होते हैं दुनिया में, बहुत दर्द होता है, पर उसके बीच में चार खुशियां भी होती हैं, तो उनको भी मनाना चाहिए, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने मतलब इसको मैं खाली आंसू नहीं रखना चाहता, उसको मैंने इसलिए खुशी और आंसू मिला करके एक टाइटल बनाया है। आज आपकी जो बुक लॉन्च हुई है, सोमा जी ने और भी काफी आपके मित्रों ने जो बुक लॉन्च की है, हाँ जी, कितनी खुशी है आपको इस बात को लेकर? देखिए, मैं बहुत 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 खुश हूँ, खासकर इसलिए कि ये मेरी पहली किताब है। लिखता बहुत दिन से हूँ, पर कभी मैंने जो पब्लिक में अपने आप से बाहर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं, ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया। तो और वैसे भी एक एक राइटर के लिए पहली पहली किताब का निकलना बहुत बड़ा एक जो है ना माइलस्टोन होता है लाइफ में, और वो भी पद्मश्री सोमा घोष जी के हाथों से जो इसका लोकार्पण हुआ, उन्होंने टाइम निकाला, मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे गजल शेर शायरी के दीवान के लिए, ज्यादा जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे तो शायरी? चलिए, मैं जो है अपनी जो दूसरी कलेक्शन जो मैं बात कर रहा था वहाँ से चार लाइनें आपको सुनाता हूँ कि कशिश ये कैसी है तेरे प्यार में, कशिश ये कैसी है तेरे प्यार में जो खींच ले जाती है मुझे दुनिया से दूर, कशिश ये कैसी है तेरे प्यार में जो खींच ले जाती है मुझे दुनिया से दूर, और तेरे ख्यालों से निकलने को मन ही नहीं होता, छाया रहता है बस तेरा ही सुरूर, छाया रहता है बस तेरा ही सुरूर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी किताब में मैंने जो कुछ भी पेश किया है उससे मैं अपने रीडर्स, अपने चाहने वालों के लिए, अपने पढ़ने वालों के ऊपर कुछ ऐसा ही सुरूर चढ़ा।